This is the future. Evolution. This is the future. हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड एक स्मार्ट रोबोट घर पे बना सकते हैं। तो फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। आप देख सकते हो हमारा सर्किट है, इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स रखे हैं, जैसे कि लाइन फॉलो, वाईफाई कंट्रोल। आप इसमें पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर हमने जॉयस्टिक कंट्रोल रखा है, लाइन फॉलो कंट्रोल रखा है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है। और इसके अंदर हमने रिलेज रखी है, BC547 की ट्रांजिस्टर्स है, हमारी मोटर ड्राइवर्स है 30-30 एम्पीयर की, ये हमारा बजर है, ये बेसिक लॉजिक गेट्स है, ये 7805 की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जैसे आप देख सकते हो। ये हमारे इमरजेंसी ब्रेक के लिए, अगर हमको कभी भी स्टॉप करना हो तो इमरजेंसी ब्रेक से हम इसको स्टॉप कर सकते हो। ये हमने पूरा कस्टम मेड पीसीबी बनाया है जीरो बोर्ड के ऊपर, आप ये पूरा देख सकते हो। यहाँ पे मेन सर्किट बोर्ड के बाद यहाँ पे ऑप्टिकल अवॉइडेंस के लिए आयर सेंसर यूज किया है, तो ये जब भी हमारे रोबोट के सामने अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है
तो ये सेंसर इमिजिएटली वर्क करना चालू कर देगा और रोबोट को इंस्टेंटली वहाँ पर रोक देगा। जब तक वो व्यक्ति सेंसर के सामने से हटेगा नहीं तब तक रोबोट आगे चलेगा नहीं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा लाइन फॉलो सेंसर है ये 8 array का है, तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसी लाइन के ऊपर ये चलेगा। तो हमारा आता है बक कन्वर्टर, यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं ये बक कन्वर्टर जो रहता है हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन करता है, यहाँ पे ज़्यादा हीट ना हो इसके लिए यहाँ पे हमने ऊपर कूलिंग फैन भी लगा दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा वोल्टेज एम्पियर मीटर है, हमारे बैटरी में कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है ये हमें दिखाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरे सिस्टम जो हमने लगाया है रोबोट के अंदर उसको कूलिंग के लिए, मतलब जितने भी अंदर हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमने कूलिंग फैन का यूज़ किया है। कूलिंग फैन के बाद में बात करें जो हमारे मोटर को बोल सकते हैं जो हमारे रोबोट को पूरा रोटेट करेगा, मेन ये हमारी मोटर यूज़ होगी उसमें, इस तरह देख सकते हैं ये हाई टॉर्क वाली मोटर है। इसके साथ में यहाँ पे हमने 4 wheel भी यूज़ किया, इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हील जो है हमारा इस मोटर के साथ में कनेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पे हेड के लिए भी हमने एक छोटा सा मोटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो हेड को रोटेट करेगा, इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं। और एक हमने लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ पे यूज़ की हुई है 12 volt की, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके दिखा देता हूँ। This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. गाइस यहाँ पे जो है रोबोट का काम अभी भी थोड़ा बाकी हुआ है, लेकिन वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए। तो इसको जो मैं 2 parts में डिवाइड करने वाला हूँ। इस पार्ट में मैंने आपको आधे से ज़्यादा लगभग समझा दिया, थोड़े बहुत जो इसका हेड का बाकी है, फिर सर्किट का डायग्राम बाकी है, वो सारी डिटेल जो आपको पार्ट 2 में देने वाला हूँ वो वीडियो काफ़ी जल्दी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो नहीं अच्छा लगा हो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक या डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।